सचिन बाहुबली बन गया है, ट्राइपॉड का ट्राइपॉड उठा लिया है उसने, सीरियसली ट्राइपॉड पकड़ लिया है. एक्चुअली हम लोग कुछ अलग वीडियो शूट कर रहे थे तो वापस जोबी पे डालने का मन नहीं था तो इससे चालू कर दिया. सो वी आर गोइंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिरेमिक कोटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग. बाइक्स को चमकाएंगे मस्त. लेट्स गो. सो गाइस वी आर गोइंग टू ओट्जिला इन गोरेगांव. We have reached Ortzilla Detailing Studio. So guys, we are at Ortzilla and he is Mudassar, owner of the Ortzilla. And यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप लोग आए, यहाँ पे आपके fans भी हैं. वो सुन के भी शॉकिंग थे. तो आर एस व्लॉग अपने साथ है और आपका नाम सलमान. सलमान भाई भी है अपने पास. ये करण भाई है, ये हमारे मेन आर्टिस्ट है फॉर बाइक के लिए. जो बेसिकली सिरेमिक कोटिंग करने से पहले जो बाइक का पेंट करेक्शन होता है, ये करण भाई हमारी हेल्प करते हैं इसमें. तो मुदस्सर भाई अपने शॉर्ट में स्टेप्स बताइए कि क्या क्या अपने बाइक्स के साथ होगा. सबसे पहले तो गाड़ी का वॉश होएगा. ओके. वॉश करने के बाद हम लोग इसको जो मट्टी लगी है उसको हम लोग निकालेंगे ब्रश यूज़ करके. ओके. सेकेंडली उसके बाद गाड़ी को हम लोग को आगे लेके पेंट करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा. पहले बफिंग करना पड़ेगा ताकि पेंट का लैकर एक समान हो जाए हर जगह. ओके. उसके बाद स्पंज पैड यूज़ होएगा ऐसा टाइप का. ओके. जो लैकर को शाइन आउट कर देगा. एंड आफ्टर दैट वी विल वॉश द बाइक अगेन. ओके. वॉश होने के बाद जो रबिंग, एक्चुअली क्यों वॉश होता है दूसरी टाइम, जो रबिंग लगी हुई रहती है उसको निकालना रहता है वॉश में. ओके. तो सेकेंड वॉश के बाद गाड़ी हम लोग ओवरनाइट छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए. नेक्स्ट डे विल कम, विल चेक एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट आउट. इफ इट इज देयर विल कंप्लीट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट द सिरेमिक कोटिंग प्रोसेस. फिर सिरेमिक के बाद हम लोग उसको ड्राई करने के लिए छोड़ना पड़ता है. तो अभी हम लोग जैसे आ रहे थे तो किरण ने बताया कि हमारे बाइक पे कोटिंग करने जा रहे, तो किरण के डैड ने बोला कि टेफ्लॉन कोटिंग करा के आना. सो ही इज़ बिट ओल्ड, तो उनको टेफ्लॉन कोटिंग बहुत पहले से पता है ना. तो वैसे ही हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें कि व्हाट वाज टेफ्लॉन कोटिंग. और अभी कोई टेफ्लॉन कोटिंग के बारे में बात करता ही नहीं, अभी तो सब लोग डायमंड सिरेमिक कोटिंग एंड व्हाट इज सिरेमिक कोटिंग. कैसा है कि टेफ्लॉन कोटिंग इज अ वेरी एज ओल्ड टेक्नोलॉजी. ओके. पहली बात एग्जिस्टेंस में नहीं है. आपको याद रहेगा जब शुरू में आप गाड़ी लेने गए थे स्टार्टिंग में पहले के ज़माने में, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव सामने से बोलता है सर टेफ्लॉन कर दो टेफ्लॉन. आज के एज में नहीं बोलता है. देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद टेफ्लॉन एंड इट्स एज ओल्ड टेक्नोलॉजी, वी हैव एडवांस. सिरेमिक कोटिंग इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ. नाउ सिरेमिक कोटिंग अलग अलग नाम से बिकती है मार्केट में. ग्लास कोटिंग, ग्लास नैनो कोटिंग, नैनो कोटिंग, 9H कोटिंग, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. इट इज़ सिरेमिक कोटिंग. अलग अलग ब्रांड्स की कंपनीज है अपने अपनी जगह पे, सब लोग सही है. जैसे सीक पॉट्स यूके हो गया है, नाजियोल एक अच्छा ब्रांड है तुर्की का, बट अवेबिलिटी का थोड़ा इशू है. और हम लोग जो यूज़ करें पिछले 2 साल से लगभग अच्छे रिजल्ट्स के साथ, वो डायमंड सिरेमिक कोट है, विच इज़ अ जैपनीज प्रोडक्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान, जहाँ से सिरेमिक कोटिंग एक्चुअली इवॉल्व हुआ था. एंड सेकेंडली दिस इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट 9H ओरिजिनल, जो जर्मन लेबोरेटरी में पास आउट हुआ है. ऑल द 7 टेस्ट, एसिड टेस्ट, क्रैश टेस्ट, एवरीथिंग इज हैज पास. एक बात मुझे हमें अच्छी लगी कि मतलब ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग पर्सन जस्ट लाइक अस, और पैशन को फॉलो करते हैं कि हाउ ही यूज टू बी अ सेल्स गाय एंड ही इज फॉलोइंग हिज पैशन. और वो कलर करेक्शन नए बाइक्स के लिए भी ज़रूरी है. सी तो कलर अच्छा ही रहता है. तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई एम एन एंड यूज़र, मैंने एक नई गाड़ी खरीदा तो मेरे इमोशंस मेरे पे हावी हो जाते हैं. तो अगर गाड़ी में कोई डिफेक्ट भी रहा तो मुझे दिखेगा नहीं. कभी कभी हमारे पास शोरूम से डायरेक्ट गाड़ी आई जिसमें हमें कुछ भी काम नहीं था, और कुछ ऐसी गाड़ी भी आई जिसमें बहुत काम था. ये कब होता है, कब मालूम पड़ता है कि हम लोग जब स्प्रिट यानी आइसोप्रोपाइल बोल के एक स्प्रिट आता है उसको जब स्प्रे करते हैं तो गाड़ी पे जितना मेकअप रहता है ना वो पूरा उतर जाता है एंड जो रियलिटी है वो सामने आती है. आफ्टर दैट वी डिसाइड कि इसको पेंट करेक्शन करना है या नहीं करना है. करना भी है तो कौन से लेवल तक लेके आना है.
is the PPF material and we are not doing any PPF on our bikes. A very thick material. It's more durable as compared to ceramic, it is far more durable. So guys, as Mudassar suggested, Mudassar bol sakta hai, Mudassar sir bolo. Mudassar ke andar sir added hai. क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इतना है ना ये चीज़ों में कि वी डोंट हैव एनी डॉक्टर बोल सकते हैं. हाँ वो है, तो उन्होंने बोला कि पीपीएफ लोग डालते हैं, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट पीपीएफ अगर बाइक पे आप करोगे तो पैचेस में जाएगा. जैसे कार का सरफेस कैसे एकदम पूरा प्लेन एक साइड में रहता है, तो वो पीपीएफ कार पे सक्सेस है, बाइक पे नहीं है. एंड आप अगर डायमंड सिरेमिक कोटिंग करते हो तो एक एनीवेज एक क्लियर बन जाएगा. इन्होंने अपना टाइम निकाल के कल शाम तक देने का हम लोग को प्रॉमिस किया है. सो लेट्स सी. पहुंचे हम लोग. आज हम लोग सुबह से बहुत बिजी है, सो एनीवेज फाइनली हम लोग आ गए आज बाइक पिकअप करने के लिए. तो बाइक दिखाते हैं विदाउट एनी फर्दर. ये वाली नहीं है, ये अभी आई है इनके पास, GS 1250. सो सर भाई देखते हैं अभी गाड़ी का क्या. इन्होंने ना बाइक पर कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये से लेकर साइड गार्ड से लेकर बैश पेज सब कुछ सिरेमिक कोट कर दिया है इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा. सिरेमिक कोटेड, योर दिस गार्ड इज आल्सो सिरेमिक कोटेड. ओके, दिस इज ऑल सिरेमिक कोटेड. किसका अच्छा लग रहा है, तेरा अच्छा लग रहा है, मेरा अच्छा लग रहा है? सचिन का ये लाइट का अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आफ्टरनून का टाइम रहेगा तो आई थिंक मेरा ज्यादा अच्छा लगेगा. मेरा ही अच्छा लगेगा, मेरा ही अच्छा लगने वाला है. नहीं, उन्होंने भी बोला है कि किरण के बाइक पे ज्यादा हम लोग ने आपको शैम्पू प्रोवाइड करने वाला हूँ, विच इज 1 लीटर इज इनफ फॉर 25 लीटर ऑफ वाटर दैट विल मेक शैम्पू कॉन्सेंट्रेट अगेन. ऑलराइट, और इसमें एक ऐसा है कि डोंट ऐड एनी पॉलिश और एनीथिंग, जस्ट क्लीन द बाइक विद प्रॉपर माइक्रोफाइबर टॉवल. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड 1 inch. अच्छा, दिस इज द सेम क्वालिटी टॉवल व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर शॉप. दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वेलवेट काइंड ऑफ रहता है ना, वेलवेट जैसा है ना. ये पैनल पे सिरेमिक कोटिंग नहीं लगा और इस पे लगा है. सी द डिफरेंस ऑफ ग्लॉस, देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. सो गाइस, ये सिरेमिक कोटेड है रैप के ऊपर एंड इस पे नहीं है, तो दिस इज लुकिंग क्वाइट डल. So I think for the first time somebody has tried to, you know, ceramic coat on a wrap. So something new. ये business ऐसे ही है कि हमेशा try करते रहो, fail नहीं हुए तो success मिल जाएगा. So guys, दोनों bikes हमारी ceramic coated हो गए, A to Z, एक भी कोना नहीं छोड़ा है मदरसर भाई ने. अगर आप लोग को भी आपकी bikes या cars ceramic coat करना है तो you can come to Odzilla. We'll put the address and number स्क्रीन पे भी मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर देंगे. इसी एक्चुअली स्टार्टेड थोड़ा सा ना उसको कंसर्न होना चालू हो गया था, उसका ब्लैक कलर पे ना स्वॉल्स आना चालू हो गया था, बिकॉज कितना भी पॉलिश करो ना वो स्वॉल्स आ रहा था. ब्लैक गाड़ी पे बहुत ज्यादा आपको दिखता है एज कम्पेयर टू येलो अगर है आपका, या फिर ब्राइट कलर है. सो आप यहाँ पे आओगे, ये मेन बंदे, बट बैकबोन जो है और 4 लड़के हैं. हमारी राइड प्लान है तो हम लोग को शॉर्ट नोटिस हमको देना पड़ा और इतना कम टाइम में हमारा काम करके दिया, उसके लिए शुक्रिया. ऑल एफर्ट्स एंड थैंक्स गो टू द टीम, रात दिन जोड़ के उन्होंने अच्छे से काम किया, दैट इज द मेन थिंग. नहीं नहीं, काम दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मतलब ये रिम जो है इतना चमक रहा है. आई मीन कैसे बोले, अनजान लोग थे, वी जस्ट मेट कोइंसिडेंटली एंड एक अच्छा बॉन्ड बन गया, इट्स गुड. आई मीन दे आर वेरी फ्रैंक एंड इट वॉज गुड शेयरिंग द नॉलेज विद देम एंड इट वॉज फन डूइंग द जॉब ऑल्सो एंड दैट्स इट. आई कैन विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर राइड. थैंक यू, थैंक यू, राइड सेफ, दैट इज इट. थैंक यू सो मच.
राइट, विशेस की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो यस, हम लोग को हैप्पी जर्नी विश करो. हम लोग की राइड चालू होने वाली है इन लाइक 5 डेज, इन नेक्स्ट 5 डेज. सो अंटिल देन, यस, ऑल इज वेल एलिमेंट एंड कीप प्रोमिंग एवरीवन. चलो भाई, चल अभी जी. अरे सॉरी, चलो चलो, कोई बात, चल कहीं.